नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, कई बार अपने को ऐसा लगता है कि हमारे आत्मविश्वास में कमी हो रही है। ऐसा क्यों लगता है, मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। जब भी सूर्य अपनी अच्छी राशि में नहीं होता है या सूर्य किसी प्रकार से कम पड़ जाता है, किसी प्रकार से कुपित हो जाता है, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। या फिर जब हमारे कोई पुराने पिछले जन्म के जो पाप हैं वो जब असर दिखाना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। और जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो हमारा जो शरीर है वो शिथिल हो जाता है, हमसे कुछ ज़्यादा काम बनता नहीं, हम जल्दी से हार जाते हैं, यानी हमारा शरीर जो है थकान महसूस करता है। ये सब चीज़ इसलिए भी होती है कि जब सूर्य अपनी राशि किस में जाता है, मकर राशि में जाता है, क्योंकि मकर राशि उनके पुत्र की राशि है। और जब सूर्य अपने पुत्र की राशि में जाता है तो सभी इंसानों के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़े, आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़े, तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आत्मविश्वास से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आत्मविश्वास अगर आपका नहीं होगा या आपका आत्मविश्वास कम होगा तो आप कोई भी काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। आपको काम करने में डर लगेगा या कोई भी नया काम स्टार्ट करने में आपको एक डर की बात डर महसूस होगा कि अरे ये काम मुझसे शायद नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर विल पावर है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं, और वैसे भी स्टूडेंट अगर आप हैं, आप इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस समय तो आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होगी। इसलिए वो लोग जो इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, तो उनको तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय क्या है कि आपको मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि 15 तारीख को मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति के दिन आपको अपने वजन के बराबर गेहूं, गुड़ या तिल का दान करना चाहिए। गेहूं, गुड़ या तिल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने पीने की चीज़ हो, उनको ऐसे लोगों को दान करना चाहिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं। उनको अगर इस दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन इनका दान किया जाता है तो इन सभी चीज़ों में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है, यानी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप किसी भी तरह की जो समस्या है उसको आसानी से पार कर सकते हो, किसी प्रकार की मुश्किलों को का सामना कर सकते हो। तो इसलिए इस मकर संक्रांति को आप ये उपाय जरूर करिए। क्या बताया मैंने, गुड़, गेहूँ, तिल या कोई भी दूसरी खाने पीने की चीज़ किसी ज़रूरतमंद इंसान को जरूर दान कीजिए। इसको तुलादान भी बोला जाता है, आपको शायद पता हो तो। तुलादान, अपने तुला यानी अपने वजन के बराबर, तोल में अपने वजन के बराबर कोई चीज़ दान करना, ठीक है। तो इस मकर संक्रांति को इस चीज़ का जरूर दान कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तथा आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।